हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज क्योंकि नवरात्रि का लास्ट दिन है और मेरा फास्ट है, तो मैं आज लगभग सुबह से रेस्ट कर रही थी। जो रूटीन का घर का सफाई वफाई वाला काम होता है वो सब करने के बाद, जो कि मेरा लगभग 10 बजे निमट गया था, टाइम मंदिर जाना है डॉल, और उसके बाद छोटा मोटा स्नैक्स खाया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फास्ट के लिए सामकी के आटे की रोटी। तो आई थिंक बस पूरा दिन मैं वही एक खाने वाली हूँ। पहले मैं रखती थी सिर्फ एक टाइम नमक खाने वाले फास्ट, जो अब मुझसे नहीं रखे जाते, तो अब मैं जितनी बार मन करता है उतनी बार नमक खा लेती हूँ। और अभी ये मैं बनाने जानी हूँ एक प्रॉपर खाना, तो चलिए देखते हैं कि मैं इसमें क्या क्या बनाती हूँ। मेरे माइंड में है कि मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली आलू की सब्जी बनाऊँगी टमाटो प्यूरी के साथ, और ये पराठे बनाऊँगी सामकी के आटे के। तो चलिए चलते हैं। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ, ये मैंने आलू जो हैं वो ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे, और अभी इनमें मैंने नमक डाल लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें डालने जा रही हूँ खूब सारी ग्रीन चिली, और थोड़ा सा कुछ हम ग्रीन हर्ब्स भी डालेंगे। और ग्रीन चिली मैं इसलिए खूब सारी डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा चटपटा ही खाने में टेस्टी लगता है। तो कुछ मैं सब्ज़ी में भी डालूँगी और कुछ मैं इसमें भी डालूँगी, तो मैं दोनों के लिए अभी एक साथ ही काट लेती हूँ। और आज जब मैं सफाई कर रही थी तो ढेर सारी मक्खियाँ आ गई, जो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। तो ये मैंने काट ली और इसमें से कुछ मैं इसी में डाल दूँगी और कुछ ये मैं बचा लेती हूँ सब्जी के लिए। और ये मैंने काट लिए हैं साथ में प्याज भी, और सब रेडी है। डाल दिया है घी, और अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा जीरा और कटे हुए टमाटरों को डालने के बाद। ये डल गए इसमें टमाटर। अब क्योंकि देसी घी था तो इसमें धुआं बहुत ज़्यादा उठ रहा है, वैसे आँच इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये शायद आपको भी पता होगा कि देसी घी से जब हम कुछ बनाते हैं तो उसमें धुआं और भी ज़्यादा उठता है बजाय रिफाइंड के। तो अब ये मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें कुछ ना कुछ मसाले डाल दूँगी, जैसे इसमें डाल दूँगी नमक। और अब क्योंकि व्रत का बन रहा है तो हल्दी तो इसमें जानी नहीं है, इसलिए इसमें साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। और अब इसको पकने के लिए ढक के रख देते हैं। इधर मैंने पराठे बनाने की तैयारी कर ली है। ये सामकी का आटा है, और ये आलू में मैंने हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और मैं इसको हाथ से इस तरीके से मैश करके जो है वो मिक्स करती हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली ये जब हम ग्रेट करके डालते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें स्टार्च ज़्यादा हो जाता है और वो लेसी से बनते हैं, इसीलिए मुझे इस तरीके से हाथ से मैश करके मिक्स करके बनाना पसंद है। और मुझे थोड़ा आटा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा और आटा मिक्स कर लिया, और इसमें मैं पानी बहुत कम डालती हूँ। जैसे अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है तो मैं इसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी डालती हूँ। और ये रेडी हो गया। इसमें थोड़ा सा डाल दिया है सूखी हुई मेथी पाउडर, और इस पे साथ ही साथ थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से। और अब ये मेरा डो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट डो बन के रेडी है। और इधर सब्जी का मसाला भी रेडी हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और अब इसमें मैश किए हुए थोड़ा सा गर्म मसाला और मैश किए हुए आलू डाल के मैंने उसे ढककर पकने रख दिया। और अब ये पराठे बनाने के लिए मैंने लिफाफे पे थोड़ा सा घी लगाया है, और पेड़े बना करके इस तरीके से हम थोड़ा मोटे मोटे से ही इनको पराठे बना लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा घी लगा देंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो, और क्योंकि ये इस तरीके का आटा नहीं है कि ये चकले बेलन से बनाया जाए, तो इसको मैं इसी तरीके से फैलाती हूँ ताकि ये जैसे हम मक्की का आटा लेकर के रोटी बनाते हैं। और ये देखिए पराठे रेडी हैं, और उधर से मेरी सब्जी भी जो है वो कुछ हद तक रेडी है। तो देखते हैं, पराठा रेडी हो रहा है, अच्छे से करारा होने तक पराठे को सेक लिया, और अब सब्जी भी रेडी है, बारी है सर्व करने की। ये देखिए ये थोड़ा सा पतले से, इसको हम अपनी भाषा में पतले आलू की सब्जी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे, नींबू का रस,
और नींबू के रस के साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा देसी घी। और ये मेरा खाना रेडी है व्रत का। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे सिंपल से ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी मोटिवेट हो सकूँ।